हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को किस तरीके से हैक कर सकते हैं, यानी कि अपने चैनल के सब्सक्राइबर को किस तरीके से वहां से हटा सकते हैं। अपने सब्सक्राइबर को हटा, यानी कि आप समझ रहे होंगे किस तरीके से हटा देंगे तो फिर कैसे चलेगा। हटा नहीं, यानी कि अपने सब्सक्राइबर, यानी कि जो लिखे हुए होते हैं कि आप सबके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर 1000 हैं, 1000 वन के हैं, 1-2 के हैं, इस तरीके से लिखा हुआ जो आता है उसको आप किस तरीके से लिखे हुए को हटा सकते हैं। अगर आप उसको हटाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के चांस रहते हैं। उसको किस तरीके से वहां से छिपा सकते हैं, शॉर्टकट में कि अपने सब्सक्राइबर को किस तरीके से छिपा सकते हैं, तो आइए आज हम सीखेंगे। और इसका फ़ायदा मैं बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि इसका जो छिपाते हैं या हैक करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है तो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको सिखा देते हैं कि किस तरीके से उसको हैक किया, यानी कि छिपाया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ, जैसे ही मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ उसके बाद यहाँ मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ होम पेज पे आ चुका हूँ तो आपको एक 3 डॉट का एक ऑप्शन मिला होगा, आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुल करके आएगा, तो आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप सेट, तो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। एक बार ये क्लिक नहीं है इस पर तो आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये क्लिक हो चुका है, तो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको जो है सर्च बाय पे सर्च करना है www.youtube.com, तो आपको जो है ये सर्च करना है। जैसे ही आप इस पर को सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा, तो आपको जो है यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा होगा साइनिंग का यहाँ पे, तो आपको जो है साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो है YouTube में लेके जाएगा, फिर YouTube से क्रोम ब्राउज़र में आपको लेकर के चले जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ लेकर के आ गया है, पहले YouTube में लेके आया फिर यहाँ से मुझे है क्रोम ब्राउज़र में लेकर के आ गया है। तो आपको एक मैं ये जो है इस तरीके से आप जूम भी कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको जूम करके ज़्यादा नहीं बताऊँगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ताकि देखिए कि मैं यहाँ थोड़ा सा हल्का सा जूम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक आपको देख रहा होगा एक लोगो का ऑप्शन, तो यहाँ आपको जो है लोगो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर लोगों के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको जो पूरा इंटरफेस खुल करके, यानी कि उसकी सेटिंग खुल करके आ जाएगी। तो आपको जो है यहाँ यूवर चैनल पर क्लिक करना है। एक बार जैसे आप उस पर यूवर चैनल के चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल पर आ जाएंगे। आपके चैनल पर दिखा रहा होगा यहाँ एक कितने सब्सक्राइबर हैं, 49 सब्सक्राइबर हैं। तो आपको जो है यहाँ कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। एक बार जैसे ही कस्टमाइज चैनल पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब स्टूडियो में लेके जाएगा, उसके बाद फिर आपको ये जो है क्रोम ब्राउजर में लेकर के चले जाएगा। जैसे कि आप मुझे लेकर के आ गया है, मुझे लेकर के जैसे कि आ गए हैं, तो आप यहाँ सबसे नीचे आप एक बाएं साइड को एक ऑप्शन मिल रहा होगा, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को एक सेटिंग का ऑप्शन, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। देख रहे होंगे यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको जो है इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक बार जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम फिर कम कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो जैसे ही आप उस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा चैनल का, आपको जो है चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ इस पर देख रहे हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए, ऊपर करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि सब्सक्राइबर वहाँ मुझे जो है दिखा रहा था कितने सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर काउंट इसको जो देख रहे होंगे यहाँ, तो आपको जो है इस पर से टिक हटा देना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे सब्सक्राइबर काउंट, आपको जो है इस पर से टिक हटा देना है। जैसे कि मैंने टिक हटा दिया है, अगर आप छुपाना चाहते हैं तो टिक हटा दीजिए, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो टिक इस तरीके से लगा दीजिए। मैं छुपाना चाहता हूं तो मैं यहां से इसको टिक हटा देता हूं। जैसे ही मैंने टिक हटा दिया है तो उसके बाद यहां आपको एक सेव का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप इसके सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। थोड़ा सा यहां आपको जो है 10 सेकंड रुकना है ताकि ये पूरा लॉगिन हो जाए। जैसे कि मैं यहां 10 सेकंड रुक चुका हूं, ये सेव सेटिंग हो चुका है, जैसे कि यहां नीचे लिख करके आ गया है। तो फिर मैं यहाँ से अब बैक आ जाता हूँ, डायरेक्ट बैक आ गया मैं। उसके बाद मैं यूट्यूब में जाता हूँ, यूट्यूब में आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्रेट ASD चैनल। आप इसको भी चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सर्च कर लिया है, सर्च करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब्सक्राइबर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ दिखा रहा है ग्रेट ASD चैनल 49 वीडियोज सब्सक्राइबर बेल आइकन ये दिखा रहा है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को चला करके दिखा देता हूँ कि दिखा रहा या नहीं दिखा रहा।
देखिए यहाँ पर सब्सक्राइबर अभी नहीं दिखा रहा, उस वक्त सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि सब्सक्राइबर वहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ आपको नहीं दिखा रहा है। इस प्रकार से, इस तरीके से आप सबने सब्सक्राइबर को हैक यानी कि छिपा सकते हैं। तो फिर मैंने बताया था कि लास्ट में बताऊँगा कि आपके सब्सक्राइबर को छुपाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसके छिपाने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपके चैनल पर अगर कम सब्सक्राइबर हैं, अगर आप दिखाते हैं उसको, अगर कोई भी बंदा अगर देखता है तो हो सकता है कि उसके दिल में अगर आए कि ये तो चैनल ऐसे वैसे ही चैनल ही है, छोटा ही है, इसको इसकी वजह से वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, सिर्फ आपकी वीडियो को देख लेता है। जब उनका फ़ायदा हो जाता है तो आपकी वीडियो को वहाँ से ख़त्म कर देता, कट कर देता है। तो इस प्रकार से आप वहाँ से दिखा सकते हैं। और अगर आप उस अगर नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है उसके दिल में आए कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, क्या क्या हैं, बहुत से होंगे, इसकी वजह से वो छुपा करके रखे हैं। इस तरीके से वो सब्सक्राइबर आपके चैनल को कर सकता है और इस प्रकार से आप वो कर सकता है। अगर आप दिखाते हैं तो हो सकता है उसके दिल में ना आए तो वो नहीं करेगा। अगर आपके अगर कम सब्सक्राइबर हैं तो आप उसको छिपा करके रख सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, सब व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपके ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बता दूँ आपको कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए बाय।